प्यारे बच्चों, आज हम क्लास सेकंड की हिंदी की बुक के फर्स्ट चैप्टर हमारी चाह को रीड करेंगे। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता में बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। हमें भी भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम कविता को पढ़ने जा रहे हैं, तो जितने भी इसके कठिन शब्दार्थ हैं हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ईश्वर हमारे यही हमारी चाह, तुम दिखाना हमें वह राह, कभी करे ना किसी से डह, मिलकर करे वह वह। तो बच्चों, ईश्वर का अर्थ होता है भगवान, चाह का अर्थ होता है इच्छा, राह का मतलब होता है रास्ता, और डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो इन पंक्तियों में बच्चे ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमारी इच्छा है कि आप हमें सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं, हम कभी भी किसी से ईर्ष्या या वैर भाव ना करें और हम सब मिलकर खुशी से रहें। माता पिता हो हमारे साथ, हम माने उनकी सब बात, मिलजुल कर रहे सब साथ, ऊंच नीच की करे न बात। इन पंक्तियों में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहें और हम हमेशा उनका कहना माने, उनकी हर बात को माने, हम सब मिलजुल कर रहें, हम कभी भी किसी के साथ जाति धर्म ऊंच नीच की बात ना करें। प्रभु हमको दो यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान, झूठ को दे कभी न मान, सच्चाई का करे सम्मान। मान का अर्थ होता है बच्चों इज्जत, और सम्मान का अर्थ होता है आदर। इन पंक्तियों में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको ये वरदान दो कि हम सब पढ़ लिख कर महान बने, सबकी सेवा करें, कभी भी झूठ ना बोले, हमेशा सच का साथ दे, सच्चाई का आदर करें। बच्चों, आज हमने इस कविता को पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, इस कविता में हमने देखा कि बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें भी हमेशा ही भगवान से ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इस कविता को पढ़कर रखिएगा। थैंक यू।